हे गाइस चैनल टू माय वेलकम है हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं मथुरा गोवर्धन की परिक्रमा लगाने आया हूँ, जो कि दो भागों में बटी हुई है, एक बड़ी परिक्रमा और एक छोटी परिक्रमा। बड़ी परिक्रमा अराउंड 12 किलोमीटर लंबी है और छोटी परिक्रमा 9 किलोमीटर लंबी है। और ये वही पर्वत है जिसे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया था। तो आज मैं उसी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा देने आया हुआ हूँ। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है, आप पूरी एंड तक देखिएगा। इसमें मैंने काफी लोगों से बात करी और ये परिक्रमा मैं अकेले देने आया हुआ था, तो रास्ते में जो भजन मंडलियां जा रही थी उनके बीच में घुस के बढ़िया झूमे नाचे गाए। तो चलिए अब सबसे पहले गोवर्धन पर्वत की बड़ी परिक्रमा चालू करते हैं। और परिक्रमा चालू करते के साथ ही मेरे को अपने जैसे भारी भरकम जोश वाले लोग मिल गए, तो मैं उन्हीं के साथ भीड़ में ज्वाइन हो गया। कुछ दूर चलने पर ही मेरे को ये कुछ अंकल भी दिखे, जो अपनी उम्र की फिक्र ना करते हुए भी बढ़िया नाच झूम रहे थे। अरे चाचा आओ आओ, तुम भी नाचो। लच्छू के पापा तुम कैसे रह गए, आओ तुम भी नाचो, तुम भी नाचो। अरे सरपंच साहब, तुम्हारे ऊपर तो 10 का नोट नौछावर करूंगा, आओ तुम आओ तुम आओ। और रास्ते में ऐसे कई जगह पैरों के मसाज की मशीन लगी हुई थी, जिन पे आप बैठ के मसाज करा सकते हैं। और थोड़ा सा और आगे चलने पे मेरे को कई लोग डीजे पे नाचते हुए दिख गए, और उनको देख के फिर क्या था, अपन भी उनमें घुस गए। गोवर्धन वही आते हैं जिन्हें गिरिराज धरण बुलाते हैं। बिल्कुल सही बात कही है, गोवर्धन वही आते हैं जिन्हें स्वयं गिरिराज बुलाते हैं। बोलो राधे राधे। और पूरी परिक्रमा में आपको ऐसी साइड में छोटी छोटी दुकानें भी देखने मिलेंगी। और ये अंकल और आंटी अपने बच्चों को रिक्शा पे बिठा के परिक्रमा दे रहे हैं और खुद उनके साथ साथ चल रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी दिल को छू जाने वाली चीजें आपको इस परिक्रमा में दिखेंगी। और अब लगभग मेरे को एक घंटा भी हो गया था चलते चलते, और मेरी तकरीबन 5 किलोमीटर की परिक्रमा भी पूरी हो चुकी थी और मेरी बॉडी थोड़ी सी थकने लगी थी। मैंने परिक्रमा चालू करने से पहले ही सोचा था कि जब तक दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक ना ही बैठूंगा ना ही पानी पीऊंगा पूरी परिक्रमा में। और मेरे अंदर इतने सारे विचार आ ही रहे थे कि तभी मैंने जो देखा उसको देखने के बाद मेरे अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ गई। पता नहीं कैसे, पर ये भजन सुनने के बाद मेरे अंदर जो ऊर्जा आई और उसके बाद जो मैं दौड़ा, फिर तो गुरु मैंने दौड़ दौड़ के ही बड़ी परिक्रमा पूरी कर ली। तो जो 11 किलोमीटर की बड़ी परिक्रमा थी वो हमारी खत्म हो चुकी है। लोग यहाँ पर उसकी धूप देते हुए, यहाँ से हम पूरे अभी 11 किलोमीटर चल के आ रहे हैं। अब हम करेंगे छोटी परिक्रमा जो कि 9 किलोमीटर की है। अब हम जा रहे हैं छोटी परिक्रमा करने जो कि 9 किलोमीटर और बची हुई है। अभी समय हो रहा है 1:48। राधे राधे। छोटी परिक्रमा यहाँ से चालू होती है। ये जो गोवर्धन की परिक्रमा है वो दो भागों में बांटी हुई है, एक बड़ी परिक्रमा एक छोटी परिक्रमा। चलिए पूछते हैं उसको, बड़ी परिक्रमा और इसको छोटी परिक्रमा क्यों कहते हैं। मेरे को पता नहीं है क्यों कहते हैं। तो पीछे अंकल आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं। राधे राधे अंकल। राधे राधे। तो एक चीज़ बताइए, इसको छोटी परिक्रमा और वो जो बड़ी है उसको बड़ी परिक्रमा क्यों कहते हैं। बड़ी है इसलिए बड़े कहते हैं, ये छोटी है। वो बड़ी है इसलिए बड़ी कहते हैं, ये छोटी है तो छोटी कहते हैं। ये तो मेरे को ही पता था, ये तो मेरे को ही पता था। तो भैया आपको पता है इसको छोटी परिक्रमा क्यों कहते हैं, उसको बड़ी क्यों कहते हैं। इनको भी नहीं पता भैया को। अराउंड 2 घंटे हो गए हमको चलते हुए, ये हार्ट बीट देख सकते हैं अराउंड 190 है। मैं बीच बीच में थोड़ा दौड़ भी रहा हूँ वॉक के साथ साथ, जैसे दिन भर काम में लगे हुए, ऑफिस मंडे टू सैटरडे ऑफिस। यहाँ के शांति है, मतलब एक होता है ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन, वो बहुत है। आप इधर से आगे से निकल रहे हो, पीछे से निकल रहे हो, राधे 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 राधे, एकदम एनर्जी का लेवल ये ऊपर, राधे राधे। जीवन में कहीं चले जाओ कहीं, जो सुकून यहाँ पर आ, यहाँ पर है, पहाड़ों में बीच पे समुद्र में। आपको अगर लेना है तो शांति से गिरिराज जी धरण की परिक्रमा लगावा, इससे ज्यादा सुकून आपको कहीं पे मिल ही नहीं सकता। जो शांति, जो सुकून, मन को संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन जो मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। घर पे अभी भी मार रही है सब चीजों से, सब कुछ सारी दुनिया से अलग। एक चीज बताओ, हंसे क्यों बीवी मार रही है पे? ये फंस गया। मैंने कही बीवी मार रही है तुम हंसे क्यों? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
12 बजे हम लोगों ने परिक्रमा चालू करी थी और अभी 3:15 हो रहे हैं। यहाँ से सिर्फ 1/2 किलोमीटर और बचा हुआ है, हमारी परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है। वैसे तो इतना समय नहीं लगता, इससे 1.5 गुना ज़्यादा लगता है, पर मैं थोड़ा सा दौड़ दौड़ के उत्साह बहुत ज़्यादा था तो बस ऐसे गाने चलते रहे पूरे रास्ते। हम दौड़ते हुए बस आ गए, पहुँच गए। बोलो राधे राधे। फिर मैंने मंदिर पहुंच के बहुत ही शांति के साथ गोवर्धन गिरिराज के दर्शन करे। तो दर्शन कर लिए हैं, पैर ऐसे चटक से रहे, कड़क सी आवाज़ आ रही है पैरों में। अब यहाँ से जाएंगे रिसोर्ट, थोड़ा सा सोएंगे। सुबह के 3:30 बज रहे हैं। अब लग रहा है दौड़ दौड़ के परिक्रमा करी, गलती कर दी, पर उससे भी अच्छा लगा ये पढ़ के सामने लिखा है परिक्रमा समाप्त। तो रात के 4 बज रहे हैं और मैं फाइनली अपने कॉटेज में आ चुका हूँ। अब बहुत दर्द हो रहा है यार, सबसे पहले आके ये बाथरूम में गर्म पानी लगाया है, इसमें पैर डाल के थोड़ी देर सिकाई करूँगा। तो इसमें सिकाई कर रहा हूँ मैं, बहुत दर्द हो रहा है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है डॉक्टर साहब। तो ये अगले दिन सुबह, अब हम लोग घर जा रहे हैं। मैं का ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाया मैं, मेरे तो पैरों में आहा, पैर ऐसे होता नहीं है करंट मार रहे हैं, ऐसे चल रहे हो ना जोश जोश में, चल तो आए दौड़ते दौड़ते परिक्रमा कर आए, उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं नहीं, पर ठीक है। राधे राधे। मैं बहुत ज़्यादा सो नहीं पाया तो शायद पूरे टाइम गाड़ी में सोऊंगा ही। ये पीछे गाड़ी रेडी है, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ब्लॉग शायद ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका होगा, तो फिर आपसे कभी किसी और दिन मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो तब तक प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। सरप्राइज, लाइक, कमेंट, शेयर, सरप्राइज, फॉलो गाइस, चैनल को घंटी सिलेंडर कर दो गाइस। साला ये किस्मत कैसी है, ड्राइव थ्रू बंद है।